नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और आज आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, गांव वाला बैकग्राउंड है, और वो इसलिए क्योंकि हम लगातार वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे किस तरह से बांस की टोकरियां बनाई जाती हैं और उनको बेचा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम भी अपने हाथ के हुनर से एक बिजनेस को, एक व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस और देखने हैं बिजनेस को लेकर, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना देर के रुक करते हैं एक ऐसे परिवार का जो काफ़ी सालों से टोकरी बनाने के बिजनेस से जुड़ा है, और किस तरह से वो इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है, सब बातों के गौर करेंगे। चलिए, तो चलिए इस वक्त पहुंच गए हैं हम एक ऐसे घर में, एक ऐसे गांव में जहां पर ये बिजनेस जो है काफी सालों से चल रहा है, टोकरी बनाते हैं ये लोग। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पालमपुर से चलते हैं तो लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है, पढ़ियारखर इसका नाम है। तो आइए, वोकल फॉर लोकल की हम बात कर रहे हैं, हम इस तरह के बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपकी संस्कृति से जुड़े हैं, जो आपके ट्रेडिशन से जुड़े हैं, साथ ही साथ जिसमें आपका हाथ का हुनर है। और मैं आपको बता दूं कि अजय कुमार की जो माता जी हैं वो है, आपका नाम अंजू, और अंजू भी इसी बिजनेस में है, यानी कि इनकी सास, उसके बाद इनकी माता जी, और फिर अजय भी इसी बिजनेस में है। अजय, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितने दिन में टोकरी बन जाती है? एक दिन में टोकरी तैयार हो जाती है। कितनी लागत लगती है? लागत लग जाती है इसमें 60%, प्रॉफिट आता है 20-25%। 12 महीने चलता है ये सीजन, बरसात के मौसम में थोड़ा तंगी आ जाती है, बारिश वगैरह होती है, काम करने को दिक्कत होती है, और जैसे सूखा होता है, जैसे मौसम वगैरह अच्छा होता है, गर्मियों के दिन होते हैं तो उसमें फिर काम चलता है, पर इतना ठीक है, ठंड में बिकती नहीं है। फिर जैसे जैसे वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद 1-2 महीने, फिर उसके बाद जैसे मौसम साफ होता है या थोड़ा क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे ठंड है, जैसे फिर गर्मी, 2-3 महीने वेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर काम चलता है। और ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो जितना भी रॉ मटेरियल है, ये आपको आसपास कहीं से मिल जाता है या इसके लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ता है? नहीं, इसके लिए तो दूर जाना पड़ता है, पहले तो बांस काटना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको मतलब फाड़ना पड़ता है, चीरना फाड़ना पड़ता है, उसके बाद ये सामान निकाला जाता है बहुत बारीकी से, फिर उसके बाद मतलब ये चीजें जो है, ये आइटम तैयार होती है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो आपके साथ यही लोग काम करते हैं या इसके अलावा भी हैं? नहीं, बस यही है। कितने हैं लगभग? है 4-5 लोग हैं। तो गांव में ही इस तरह की टोकरियों की डिमांड होती है कि बाहर से भी आपको डिमांड आती है? नहीं, फिलहाल तो वैसे गाँव में ही है अभी। पूनम, आप बताइए, जिस तरह से वोकल फॉर लोकल की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से इस इन सब चीज़ों को, जो हाथ से बनी हुई चीज़ों हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं कि जो भी काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो हाथों से ही, मशीन से नहीं, क्योंकि जो हुनर हाथों से है, हाथों में मशीनों में नहीं है। माड़ा मोटा बड़ा तो रोजगार नहीं है, क्योंकि इससे पूरा तो मिलता नहीं है कुछ भी, हमारी मेहनत का पैसा। सरकार ने तो हमारा कुछ नहीं किया अभी तक, नहीं कोई मदद की, ये बस हम अपना ही काम करते हैं और थोड़ा बहुत जो होता है। आप बताइए, सरकार किस तरह से मदद करती है इस काम को बढ़ावा दे, क्योंकि सरकार का ही है वोकल फॉर लोकल का नारा? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं आई है, आगे देखते हैं। तो ये हमारा खास एपिसोड था वोकल फॉर लोकल की सीरीज में, जहाँ पर हमने बताया कि किस तरह से गांव में एक परिवार टोकरी बनाता है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक सरकार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती इस काम को लेकर। और हाँ, जाहिर तौर पर मशक्कत ज़रूर है इस चीज़ को बेचने में। तो लगातार हम बात करें वोकल फॉर लोकल की, तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने जो इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठ के काम करते हैं, जो अपनी मिट्टी को और ज़्यादा बहुत ही अच्छे सलीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो अपनी संस्कृति को आगे लेकर जा रहे हैं, उनके चीज़ें खरीदिए, रादर कि आप बड़े बड़े मॉल्स में जाकर या फिर कहीं और जाकर उन पे पैसा खर्च करते हैं, आप इन लोगों से चीज़ें खरीदिए और इस तरह से वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कीजिए। धन्यवाद। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।